Very venerable viewers, we are to share uh, self management core skills and uh, importantly, we are to talk about self control. Actually, self control is uh, leading us towards setting goals. Goals set karna. बेस्ड ऑन द नॉलेज एंड द नीड एसेसमेंट एंड ऑल्सो द पोटेंशियल ऑफ ए पर्सन इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम बच्चे के अंदर ये अवेयरनेस डिवेलप करते हैं और उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल डिवेलप करने की कोशिश करते हैं इसमें वेरी नेसेसरीली वी आर टू प्रोवाइड फीडबैक एंड डिवेलप फीडबैक लू और उसमें ये होता है कि फीडबैक में हम उसकी स्ट्रेंथ्स को असेस करते हैं फद को आगा करते हैं और फिर उसकी वीकनेसेस असेस करते हैं और आगा करते हैं और फिर सजेशन डेवलप करते हैं और एक सिलसिला जनब वो लूप के तौर पे चलता है बच्चा उसको एक्सेप्ट करता है और वो डिज़ायर करता है कि मेरी स्ट्रेंथ्स मुझे पता चलें और बाकी चीज़ें भी उसे पता चलें और इसमें इम्पल्स कंट्रोल एक्चुअली हम लाना चाह रहे हैं कि जब उसको अपना फीडबैक मिलता है तो उसके अंदर की अर्जेस एक्ट अपॉन एंड द पर्सन इज़ वेरी रेडी टू कंट्रोल द सिचुएशन असल में अनकंट्रोलेबल सिचुएशन तब होती है जब हमारे अंदर के एग्रेशन रिएक्शंस सामने आते हैं और वो बिहेवियर की सूरत में ए, उसका इजहार होता है और उसे काम के रुकने या स्लो होने का खदशा होता है इसमें हम बात करेंगे कि आर टू सी द प्रोग्रेस ऑफ द टास्क प्रोग्रेस ऑफ द टास्क अल्टीमेटली इज द टारगेट के ये तमाम तरह का कंट्रोल उसकी इम्पल्स उसके टास्क उसके रिएक्शंस उसकी इनर एबिलिटीज को मैनेज करना ये सारी चीज़ें उसके टास्क को हम मैनेज कर रहे हैं और हम उसको साथ साथ फीडबैक भी प्रोवाइड करें और इसमें हम देखते हैं कि एक सिंपल रूटीन की तरफ हमें उसे लाना है वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं ले जा रहे हम उसे वेरी सिंपल एंड वेरी इजी एंड वेरी प्रैक्टिकेबल सिचुएशन की तरफ उसे ला रहे हैं सिर्फ यह है कि हम उसे स्टेप वाइज मॉनिटर कर रहे हैं और स्टेप वाइज मॉनिटर करते हुए हम उसको अपने आप को कंट्रोल रखना सिखा रहे हैं और उसमें हम उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो अपनी एबिलिटीज़ को साथ साथ देखे जैसे सेल्फ टॉक यस आई कैन डू इट ओ आई नॉट डू इट यस इस तरह का तासर जो है उसके अंदर हम डेवलप करना चाहते हैं और फिर यह है कि वो अपने आप को रिमाइंड कराता है चीज़ कि आई येट टू डू द थिंग्स और वो अपने उस टास्क यस yes, फ्लॉँचीज मैंने वो स्टेप मेरा मुकम्मल हो गया आओ एम सक्सेस तो वो आगे बढ़ रहा होता है और इसी तरह वो आ, चीज़ों को डिस्प्ले भी करता है यानी पॉइंट आउट भी करता चला जाता है कि दीज थिंग्स है कंप्लीटेड एंड उसके लिए फिर यह कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको वो कूप अप कैसे करेगा और इसी तरह हम आ, ये चीज़ें भी साथ साथ देख रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रियमेटिव एक्शनस हैं जिनको हम ही करना चाहते कुछ ऐसे एक्शंस जो उसके काम के अंदर रुकावट बन रहे मसलन उसकी अपने कुछ एक्शंस हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है लेकिन यह है कि द पर्सन इज़ डूइंग इट्सल्फ बाय बाय अनकॉन्शियस एक्शंस तो हम उसकी तवज्जो उसकी तरफ दिलाते हैं कि यह करने की ज़रूरत नहीं है एक काम को बार बार यानी उसके अगर ग्लासेस हैं तो ग्लासेस को बार बार ठीक करने की ज़रूरत नहीं है उसको अगर कोई तो प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करा लिया जाए लेकिन यह है कि उसके एक्शन है ना वो उसको डिस्टर्ब नहीं करें उसका वक्त ज़्यादा और मुख्तलि तरह की जो डिफ़िकल्ट सिचुएशनस हैं उसमें हाउ द पर्सन इज टू कूप विद और अपने आप को मैनेज करना है साथ वाली जो एलाइट एक्टिविटीज़ हैं उसको वो किस तरह से देखें और इसमें आ, ये सलाहियत पैदा करनी है वो टास्क मुकम्मल हो रहा है तो टाइम इट विल टेक टाइम और उसमें वेटिंग और सीइंग एंड बी टॉलरेंट फॉर द नेक्स्ट सिचुएशन उसके लिए उसको तैयार करना है और इसमें हम एक्सपेक्टेशंस uh, को uh, सामने रखते हैं और uh, उसके लिए हम फर्द को अपने आप को क्लैरिफाई करना सिखा देते हैं तो अपने आप को अपने जो टारगेट्स हैं उसकी अचीवमेंट के लिए वो सेटिस्फाइड यस आई अचीव दिस टास्क मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल और फिर यह है कि व्हाट अदर पीपल आर डूइंग देख ले उसके साथ उसका कंपैरिजन और एक्सपेक्टेशन जो है ना कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उसे उस कर दें और वो उन एक्सपेक्टेशन पर पूरा ही ना उतर सके उसकी एक्सपेक्टेशन उसकी अपनी एबिलिटीज के साथ वेरी इंपॉर्टेंटली कि वो अपने काम को अपनी सलाहियतों के साथ मैयर करे और अगर कंपैरिज़न करना है तो सक्सेस के लिए या फिर यह कि प्रोग्रेस के लिए कॉन्टेक्स्ट को देखा जा सकता है इधर उधर उसके दोस्त और बाकी चीज़ें देखी जा सकती हैं लेकिन कंपटीशन नहीं है कंपटीशन उसके अपनी एबिलिटीज़ के साथ है और इसी तरह आ, हर नई सेटिंग में एक नई सिचुएशन एक नया कंट्रोल लेकिन पहले की जो इम्पल्स कंट्रोल है पहले की जो परफॉर्मेंस अटेनमेंट है जो एबिलिटीज हैं वो उसको हेल्प आउट करती हैं और वो सेल्फ कंट्रोल स्ट्रेटजीज जो एक दफ़ा सीखता है वो अगली दफ़ा दूसरी सिचुएशन में उसको इंप्लीमेंट करता है उसमें वो सक्सेसफुल होता है और वो कॉन्फिडेंट होता चला थैंक यू वेरी मच